हमारे साथ हैं आज दो खास मेहमान। आइए पूछते हैं किस तरह की वेब सीरीज और किस तरह का रोल इन्होंने फिल्मों में और यहाँ वेब सीरीज में किया। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये साइड हीरो का रोल और ये फिल्मों से यहाँ तक किस तरह का है? वेल, साइड हीरो एक्चुअली मैं ये जो सीरीज में साइड हीरो में मैं आई एम प्लेइंग अ वर्जन ऑफ कुणाल रॉय कपूर। कुणाल रॉय कपूर जो फिल्मों में काम करता है, जो दिल्ली बेली, नौटंकी साला, जवानी दीवानी, ये सारी फिल्मों में जो काम किया है, वही कैरेक्टर लेके कुणाल रॉय कपूर द एक्टर उसको लेके एक पूरी सीरीज बनाई है। तो आई वुडंट से कि ये ऑटोबायोग्राफी है, पर ये मेरे जीवन पे थोड़े थोड़े जो भी किस्से हुए हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, या मेरी जो जर्नी रही है, नॉट ओनली माइंड बट रोहन सर की, ये राइटर्स की, उनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और बॉलीवुड के, उसको जोड़ के हमने एक सीरीज़ बनाई है और उसमें मैं खुद का रोल कर रहा हूँ कुणाल रॉय कपूर का। गौहर, कैसा रहा एक्सपीरियंस इनके साथ, कुणाल के साथ काम करने का? इनके साथ तो मतलब काम करने के दो वर्जन्स हैं। एक तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड गौहर, जो यू नो कांट बिलीव दैट ओके फाइन आई एम ऑपोजिट हिम एंड वी आर डूइंग दिस टुगेदर। दूसरा एक बहुत ही नर्वस गौहर, क्योंकि इनके साथ कॉमेडी करना एक बहुत ही टास्क, एक चैलेंज है, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग विद सच एन अमेजिंग एक्टर द प्रेशर ऑफ फेलिंग इज फिल्मों के साथ नहीं कि वेब सीरीज में एक नया मतलब चेंज आया हुआ। काफ़ी लोग, कई बॉलीवुड के स्टार्स अब फिल्मों के साथ साथ अब वेब सीरीज में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो उस पर कैसा एक क्या रिएक्शन होगा? रिएक्शन यही है, एक्टर्स हर मीडियम के होते हैं। मैंने स्टेज किया हुआ है, फिल्में की हुई हैं, टीवी पर अभी तक एक्टिंग नहीं की है, लेकिन वेब पे कर रहे हैं। सो एन एक्टर इज एन एक्टर नो मैटर वेयर यू आर परफॉर्मिंग। अगर आप स्ट्रीट प्ले के का भी एक हिस्सा हैं तो आप वही करते हैं, आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे, एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग अ गुड जॉब एंड पीपल लाइक योर वर्क। इस जॉनर के लाइक फिल्मों में या इसमें जॉन, किस जॉनर को आप ज़्यादा पसंद करते हैं? एक्चुअली मैं जॉनर को पसंद नहीं करता हूँ, मैं स्क्रिप्ट्स को पसंद करता हूँ, मैं रोल्स को पसंद करता हूँ, डायरेक्टर्स को पसंद करता हूँ। जॉनर मतलब हॉरर हो या थ्रिलर हो या ड्रामा हो या कॉमेडी हो, आई मीन आई थिंक आई लाइक ऑल जॉनर्स। ऐसा नहीं है कि मैं हॉरर फिल्म नहीं देखता हूँ या ड्रामा मुझे देखना पसंद नहीं है, मैं बस कॉमेडीज ही देखता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आई लव वॉचिंग ऑल एंड आई लव परफॉर्मिंग इन ऑल, मगर क्या है कि ज़्यादातर जो मुझे रोल्स मिले हैं अभी तक वो ज़्यादातर कॉमेडी हुई है, क्योंकि द फर्स्ट बिग हिट दैट आई हैड विच वॉज दिल्ली बेली वॉज अ कॉमेडी रोल, तो राइटली लोग मुझे ज़्यादा कॉमेडी के रोल्स ही देते हैं। अपने कैरेक्टर को जस्ट एक्सप्लेन करेंगे? मेरा कैरेक्टर उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो थोड़ा ऐसा है। अच्छा, आपको सीरियस में देखा बेगम जान हो या फीवर हो, हर जगह आपको सीरियस में देखा, यहाँ पे कॉमेडी? हर जगह सीरियस भी नहीं है एक्चुअली, मैंने सीरियस काइंड ऑफ फिल्म्स की, थोड़ा ड्रामा काइंड ऑफ फिल्म्स की है, लेकिन दिस इज माई फर्स्ट कॉमेडी दैट्स गेटिंग रिलीज्ड। एंड देन फिर ऐसे दिग्गजों के साथ काम करना है, तो दिग्गज यहाँ एक साइड हीरो जो असली वाकई में मतलब फिल्मों में भी साइड हीरो के काउंट कहते हैं, लेकिन like इनके साथ काम करना was a task for me because like he said I had to be serious but I couldn't be serious because he was so good that I just became a viewer suddenly and I would you know crack up but eventually I finally managed to do it but it's been an amazing experience first of all also Rohan sir because I love him I have always loved his work and I can't believe that I've done two back to back series with him. क्या इस वेब सीरीज के बाद, जैसे कि आपने बताया साइड हीरो वाकई दूल रही है, तो क्या इसके बाद कुछ ऑफर आए लाइक डेब्यू करने के लिए फिल्म? ऑफ ली हाँ, लाइक ट्रेलर मैंने देखा है, तो और लोगों ने भी ट्रेलर देखा होगा और डायरेक्टर्स ने भी, तो कुछ ऑफर्स आने शुरू हो गए ऐसे? नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है कि मैंने खुद जिंदगी में मैंने लीड रोल्स भी की हैं, तो आई हैव डन लीड रोल्स। क्या है कि कुणाल रॉय कपूर जो कैरेक्टर है इसमें उसने नहीं किए, उसने लीड रोल्स नहीं किए, तो उनका मानना है कि मुझे लीड रोल करना है, मुझे हीरो बनना है, पर मेरा मानना यह है कि अगर मुझे अच्छी फिल्में अच्छे डायरेक्टर के साथ साइड हीरो का भी रोल मिल जाए, आई एम मोर देन हैप्पी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन मिंटू के साथ दीपक पांडे, E24।